हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फॉर टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में एक सवाल कि कौन है जो आपको पाना चाहता है, कौन है जो तहे दिल से चाहता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, वापस हो या नए से हो, बट समाओ आ जाओ। ऐसे कौन सोच रहा है, कौन आपको पाना चाहता है, इस बात की रीडिंग हो रही। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। रीडिंग चाहे जो भी करूँ मैं, लेकिन इनडायरेक्ट इंटेंशन मेरी हीलिंग है आपकी। तो यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी ख्वाहिश है, आपकी जो भी तकलीफ है, बस दूर हो जाए, आपकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स। तो देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ऐसा लगता है कि आपको रिपीटेटिव एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, और लाइक 10, 10, 111। Empress with Emperor, Queen of Swords. Devil. Sorry. The Chariot. टेम्पल्स काफ़ी मिजरर कनाज आए हैं, एंड बॉटम में देखे टू ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत एनर्जी। सो कौन है जो आपको पाना चाहता है? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज सही है। ये पर्सन है ना, वाटर साइन हो सकते हैं, स्पेशली कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन नहीं है, बट कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रांग है, सैजिटेरियस साइन स्ट्रांग है, एरीज है, और टॉरस, अगेन टॉरस एनर्जी बहुत, और साइन में टॉरस और कैप्रिकॉन एकदम प्रोमिनेंटली, जेमिनी प्रोमिनेंटली, देन लियो प्रोमिनेंटली, एरीज प्रोमिनेंटली। तो ये जो पर्सन है ना, जो आपको पाना चाहता है, वो बहुत 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 ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड है। बस एक प्रॉब्लम है इस इंसान का, चित भी मेरी, पट भी मेरी, ज़िद भी मेरी, और ज़िद भी मेरी, ईगो भी मेरा, ये प्रॉब्लम है इस इंसान का। प्यार आपसे बेहद ज़्यादा इक्वल, लाइक ना, जितना आप करते हो उतना ही प्यार वो भी इंसान करता है। आप मतलब इवन क्रस सिचुएशन है, जैसे आप अगर पसंद करते हो तो वो भी आपको पसंद करते हैं, उतना ही आपको तहे दिल से चाहते हैं। एंड पॉसिबल है कि आप में ना चीज़ों का डिफरेंस है, लाइक ना कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो, या फिर सोच का हो, फाइनेंशियल स्टेटस का हो, कहीं ना कहीं डिफरेंस है, एज का डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंसेस बहुत सारे, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा लगता है दोनों के मन में एक सवाल कि इस इंसान में ये बुराई है सही, इस इंसान में और ये मेरे में मैच ना सही, बट फिर भी हम एक दूसरे के लिए इतना कनेक्टेड फील कैसे करवाते हैं, हम एक दूसरे से इतना अपने आप को क्यों जोड़ पाते हैं, हम एक दूसरे के लिए ऐसा क्यों सोच पाते हैं, जबकि ये इंसान ने तो ऐसा करा है, ये ऐसा बोल रहा है, या फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पॉसिबल है आप लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो, और कुछ जो होता है ना चुनिंदा, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और दूसरा चीज़ है सोल कनेक्शन, ये सोलमेट, क्योंकि यहाँ पे वो भी कार्ड्स आए हैं।
तो सोल कनेक्शन हो सकता है। और ये दूसरा एक तीसरी चीज़ है, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। अभी कार्मिक सोलमेट भी होते हैं, और जो होते हैं मतलब है तो है, भले वो रिश्ता कार्मिक कितना तकलीफ देने वाला हो, ऐसा नहीं कि तकलीफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड सोलमेट कनेक्शन उनको पूछे तो भाई उनकी तो तकलीफ एक लेवल ही अलग होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि चाहे जो भी हो ये इंसान आपको उतना ही लेवल पे चाहता है जितना आप चाहते हो। इनफैक्ट आप एक दूसरे को ना समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्या है आप लोगों में कि एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हो, प्यार भी वैसा करते हो और झगड़ते भी वैसा हो, फिर यूनाइट भी होते हो और फिर सेपरेशन भी होते हैं। लाइक क्या चल रहा है आपको खुद नहीं समझ में आ रहा। तो ये जो पर्सन है, पॉसिबल है कि कुछ लोग केसेस में न्यू एनर्जी हो सकती है, जैसे नए प्रपोजल्स हो या नई गुंजाइश हो, नई पॉसिबिलिटीज़ हो, और कुछ लोगों के केसेस में जो पुराने पर्सन हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, नया हो पुराना पर्सन हो या कुछ भी हो, जो आपको पाना चाहता है वो पर्सन स्पेशली ऐसा लग रहा है कि उनमें ना बहुत ज़्यादा ज़िद या घमंड है। यस, एम्बर का एनर्जी है, ज़िद एंड घमंड है। उन्होंने अपनी अपनी सोच, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़, इसको बहुत ज़्यादा, ये पर्सन है ना, इसने भी ज़िंदगी में दुख देखे हैं, इस पर्सन ने भी अपनी ज़िंदगी में धोखे देखे हैं, इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो पाया है ना अपने दम पे पाया है, बहुत मेहनत की है और बहुत मतलब लोगों के लिए ऐसे झोंका झोंका है, लेकिन झोंका इन द सेंस कि बस दिया है और फिर भी बदले में कुछ नहीं मिला, ऐसा काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है। पॉसिबल है ये पर्सन मैरिड हो, वो भी चांसेस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन का ना एक बैलेंस ऑफ सिचुएशन, लाइक ना उनका जो ओवर ईगो है वो फॉल्स ईगो इसलिए है क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ धोखे देखे हैं, बहुत मेहनत से ये ऊपर आया है, अपनी जो एक ना एक झूठी इमेज है ना कि भाई ये तोड़ना नहीं है, मैं स्ट्रांग हूँ, ये तोड़ना नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये लोगों को पता चल रहा कि भाई मैं कमज़ोर हूँ तो लोग खा जाते हैं। हालांकि आप में ही वो चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कि आपसे दूर क्यों भागे या दूर क्यों भाग रहे हैं, ये उनको खुद नहीं समझ में आता, क्योंकि वो आपसे लिटरली दूर भागने की कोशिश में रहते हैं कि आपसे सामना ना करे, आपको सामने रिस्पॉन्स ना दे, आपके मतलब प्यार तो है, सब कुछ है, लेकिन जब साथ देने की बात आती है, जब बात होती है कमिटमेंट की, बात होती है शादी की, बात होती है स्टेबिलिटी की, तो ये इंसान ना जैसे अनाकानी करता है, आपको लगता है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है, ये साथ नहीं दे रहा है, ये कुछ तो चीट कर रहा है, बट ये ऐसा नहीं है। उनके मन में ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, बहुत सारे पिछले घाव हैं जो हील नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो घाव है ना हील नहीं हुए, कुछ सोच है, कुछ समझ है, जो लव बिलीफ कहते हैं वो सब ना बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, उनको खुद नहीं समझ में आता कि आखिर इनकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ना कब बदलेगी, ये अंदर ही अंदर खुद टूटे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ना आप उनके लिए ना एक हीलर हो, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आई है ना जहाँ पे आपकी बातें, आपकी इंट्यूशंस, आपकी मतलब हर बातें ना आपकी उनके लिए ना सच है। ये इंसान कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे बारे में कुछ भी रहेगा, ये इंसान सही डिसीजन कैसे दे पाता है, सही बात कैसे बोल पाता है, ये पहले से कैसे अंदाज़ा लगा पाता है कि ये मेरे लिए सही होगा, या जैसे ना ये मुझे बचाना चाहता है, ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हो या कुछ भी। ये बात अगर उस वक्त उन्होंने नहीं सोची होगी ना, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अभी वो काफ़ी गहराई से सोच रहे हैं। इस इंसान ने ना मुझे हमेशा साथ देने की कोशिश की है, सपोर्ट करने की कोशिश की है, प्यार देने की कोशिश की है, संभालने की, बचाने की कोशिश की है, लेकिन ये ना समझ नहीं पाए उस चीज़ को। उनको लग रहा था कि आपने ना ज़्यादा ओवर थिंकर हो, आप इनसिक्योर हो, तो ये सोच लिया वो सोच लिया, ऐसा नहीं है। आपकी इंट्यूशंस की वजह से या फिर किसी भी आपको आ जाते थे इंट्यूशन, ऐसे नहीं कि आपने सोच के पर्पजली ध्यान लगाया हमारी तरह की और बोले है, वैसा नहीं था, आपके मन में आया और बस आपने बोल दिया था। लेकिन इस इंसान को ना उस चीज़ को बहुत निगेटिव लिया, कुछ लोग के लिटरली निगेटिव लिया कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, इतना तक इन्होंने मतलब ऐसा किया हो कि भाई तुम गलत सोच रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की वो स्टेबिलिटी, वो जो एक प्यार है ना, वो इमोशनल कनेक्ट, वो खोना नहीं चाहते।
चाहे आपकी सिचुएशन में कितनी ही बनने वाली हो बिगड़ने वाली कुछ भी है, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो हो जाए या मिराकल ही हो जाए, बट आप लोग मिल जाए ऐसे कुछ, उनको एक उम्मीद नहीं कह सकते, एक जैसे ऐसा लगता है ना, डिज़ायर है। आपके लिए अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना ही है। अगर ज़िंदगी में आपके साथ होना एक रिस्क हो सकती है, तो वही रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो रिस्क लेना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, ये आपके लिए सबके सामने खड़े होना चाहते हैं, आपके लिए आपका साथ देना चाहते हैं। जब वो साथ दिया नहीं ना, अभी साथ वो देना चाहते हैं। किसी चीज़ को कट आउट करके आना है तो करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात हैं, और अपनी अपनी सिचुएशन में उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल पे है, कॉम्प्लिकेशंस उतनी हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कुछ केसेस में वो चीज़ की वजह से रुके हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है ना, जिस दिन इस इंसान का दिमाग खनक गया ना कि भाई ये रिलेशन होना, कि यही है पर्सन, देखा आप ये ना लिटरली दौड़े दौड़े आएंगे, क्योंकि ये आपको पाना तो चाहते हैं, बहुत डिज़ायर है बहुत, लेकिन इनकी तरफ से मूवमेंट तब होगा ना एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशन, और वो रिलेशन आपकी वजह से होगा, क्योंकि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं। तो वो चीज़ें जब जैसे जैसे आप में चेंजेस आएंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, वैसे वैसे इस इंसान की तरफ फ़र्क दिखेगा। जो बातें आपको बोली गई है ना, स्पेशली हीलिंग, फॉरगिवनेस, ये बात आप करके देखो, यू विल सी द डिफरेंस। आप डिफरेंस देखोगे अपने लाइफ में, अपने रिलेशंस में। रिट्रीट, वेडिंग, तो शादी की कोई तो बात है यहाँ पे, शादी के लिए बात रुकी हुई है, शादीशुदा हो सकते हैं, पॉसिबल है कि उसकी वजह से सेपरेशन हो, बट दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज एंड इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ये रिश्ता दुनिया से, या फिर दुनिया से छुपा हुआ है, या दुनिया में नहीं है, कि इट्स अ सेपरेशन सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन इसमें मिलने की गुंजाइश, रीयूनियन की गुंजाइश, यूनियन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। रिकंसिलेशन, सी मैंने अभी जस्ट वर्ड कहा है और वही वर्ड आया है, एंड सोलमेट, सी सो आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। रिकंसिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग इन योर लव लाइफ, इन योर लाइफ इट्स लाइक यूनियन एंड रीयूनियन, वो चीज़ है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। अभी सेपरेशन है, लेकिन वो जो डिस्कनेक्ट है वो ज़रूरी था एक दूसरे को समझने के लिए, स्पेस देने के लिए। और दिस सिचुएशन इन मैरिज सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली अगर आपकी शादी की कमिटमेंट के लिए बात रुकी हुई है, शादी के लिए बात रुकी हुई है, पॉसिबली अगर आप अलग अलग मैरिड हो, एक अनमैरिड एक मैरिड, ये भी सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, लिव द पॉजिटिव होप। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स।